प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो विषय ले रहे हैं, चूंकि इससे पहले हम समाज शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समाज शास्त्र का विशेष क्षेत्र। यकीन मानिए, समाज शास्त्र के अर्थ परिभाषा के साथ में एक न एक प्रश्न बनता ही है, या तो समाज शास्त्र के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में आता है या समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में आता है। पहले हम विशेष क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में स्पष्ट कर दूं कि जब कभी किसी विषय का निर्माण होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है, तो उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाए, किस चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाए, इस बात पर विशेष बल दिया जाता है, इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि हमें किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए और किस चीज़ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का जहाँ तक संबंध है, उसमें हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने समाजशास्त्र को किस रूप में लिया था, उन्होंने समाजशास्त्र को किस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, और उसी के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र का स्कोप, यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र की स्थापना की थी, या विषय उसको समझा उन्होंने कि हमें कौन सी बातों को समाजशास्त्र में अध्ययन करना चाहिए और कौन सी बातों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है। इसके बाद में हम समाज के टॉपिक पर ही बात करेंगे, इस टॉपिक के बाद में। तो समाज अपने आप में कोई छोटी सी अवधारणा तो है नहीं। हम सभी किसी न किसी रूप में, चाहे वो हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम स्टूडेंट के रूप में हों, टीचर के रूप में हों, कर्मचारी के रूप में हों, मजदूर के रूप में हों, नेता के रूप में हों, अभिनेता के रूप में हों, किसी भी रूप में हम रहों, माता पिता भाई बहन कोई भी रूप में हम, आखिरकार रहते समाज में हैं। तो समाज का अपना एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। अब किस चीज़ को हम समाजशास्त्र में लें अध्ययन में और किस चीज़ को नहीं लें, परिवार पर बात करें, विवाह पर बात करें, परंपराओं पर बात करें, धर्म पर बात करें, संस्कृति पर बात करें, राजनीति विज्ञान पर बात करें, अर्थशास्त्र पर बात करें, खेल पर बात करें, योग पर बात करें, अपराध पर बात करें, किसी भी चीज़ को हम लें, आखिर है तो सारी की सारी चीज़ें समाज में, तो किसको हम लें और किसको नहीं लें, इस बात पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद था। और इसलिए समाजशास्त्र के दो बड़े मोटे तौर पर देखें तो दो विषय क्षेत्र को लेकर दो विद्वानों को दो बड़े मोटे भागों में हमने बांटा है। एक तो वो लोग थे जो कि समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, जिसको कहा जाता है फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल, यानी कि वो लोग जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे, वो ताते फॉर्मल या स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल के लोग, जो समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में, अलग विज्ञान के रूप में देखना चाहते थे। और दूसरे वो विद्वान हैं जो चाहते थे कि नहीं, समाजशास्त्र चूंकि संपूर्ण समाज के बारे में है, इसलिए इसमें संपूर्णता से अध्ययन किया जाए, तो वो स्वरूप समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल के लोग माने जाते हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक जो स्कूल के, जो यानी कि जो स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के जो लोग हैं, उन पर हम बात करेंगे। समाजशास्त्र के विशिष्ट जो विद्वान थे, जो उसको स्वरूपात्मक, जो फॉर्मल स्कूल जो उसको बनाना चाहते थे, जो उसको स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो आता है फॉर्मल स्कूल वाले, उसमें प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो जर्मनी के समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इसके अलावा वीरकांत, वॉनवीज, मैक्स वेबर, टॉनीज, ये सब वो विद्वान हैं जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बात करते थे। क्योंकि उसके सबसे प्रमुख संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं। तो पहले हम बात करेंगे जॉर्ज सिमेल की। जॉर्ज सिमेल के विचार के अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जॉर्ज सिमेल ये कहते हैं कि हर वस्तु के दो स्वरूप होते हैं, एक उसका आंतरिक स्वरूप, एक उसका बाह्य स्वरूप। तो जो आंतरिक स्वरूप है और जो बाह्य स्वरूप है, ये दोनों ही स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं और उनका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समाज का भी एक आंतरिक स्वरूप है, अंतर्वस्तु है, और एक समाज की बाह्य वस्तु यानी कि उसका बाहरी स्वरूप है। और जॉर्ज सिमेल का यह मानना था कि इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। वो कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर
एक से स्वरूप वाली बोतल में जो बोतलें हैं, चाहे वो कांच की हो चाहे किसी भी प्रकार की बोतलें हो, बोतल जो है उनमें एक में पानी भर दो, दूसरे में दूध भर दो, तीसरे में शराब भर लो। बाहर से बोतल कैसी दिखती है और बोतल के अंतर वस्तु यानी कि अंदर क्या है, पानी है, शराब है या दूध है या कोई और अन्य तरल पदार्थ है, उससे क्या बोतल के स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि उसका उस बोतल के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसमें हम पानी भर दें, चाहे उसमें हम चाय भर दें, कॉफी भर दें, दूध भर दें, कुछ भी भर दें बोतल में, उससे बोतल के स्वरूप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि पानी, दूध और शराब का बोतल के स्वरूपों पर और उसके कहीं पर भी स्वरूप का कहीं पर एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो स्वरूप का अंतरवस्तु पर प्रभाव पड़ेगा ना अंतरवस्तु का स्वरूप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जॉर्ज सिमेल का यह मानना था कि हमें समाज के केवल स्वरूपों का अंतर अध्ययन करना चाहिए और उसी के आधार पर हम उसको अध्ययन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, जैसे कि स्वरूप है अनुकरण है, सहयोग है, अधीनता है, श्रम विभाजन है, ये स्वरूप है, और अंतरवस्तु आर्थिक संघ है, धार्मिक संघ है, राजनीतिक दल है। तो इस प्रकार इन दोनों का पृथक पृथक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। और चूंकि समाजशास्त्र को वो एक पर्टिकुलर विज्ञान बनाना चाहते थे, एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे, इसलिए वो केवल स्वरूपों के अध्ययन पर ही अध्ययन करने की बात वो करते हैं, जोर देते थे। जॉर्ज सिमेल का इसके अंतर्गत ये मानना था। आप इसको फिर से समझ लीजिए, समाजशास्त्र में जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय, विशेष क्षेत्र के अंतर्गत स्वरूपात्मक संप्रदाय या जिसको हम फॉर्मल या स्पेशलिस्टिक या पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल मानते हैं, उसके प्रमुख प्रवर्तक थे जॉर्ज सिमेल। उनका यह मानना था कि प्रत्येक वस्तु की दो उसके आयाम होते हैं, एक उसका अंदर का स्वरूप, एक उसका बाहर का स्वरूप। जॉर्ज सिमेल ये कहते हैं कि बाहर के स्वरूप का अंदर के स्वरूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अंदर के स्वरूप का बाहर के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा उनका मानना था। और इसलिए उन्होंने बोतलों में शराब, पानी और दूसरी चीज का उन्होंने उदाहरण दिया कि इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से समाज का भी अपना स्वरूप है, जैसे अनुकरण, सहयोग, अधीनता, श्रम विभाजन, ये सब हमारे समाज के बाहरी तौर पर में स्वरूप दिखाई देते हैं और उनकी अंतर्वस्तु भी है, जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, परिवार वगैरह, ये सब उसकी अंतर्वस्तु है, जिनमें हम अनुकरण देखते हैं, सहयोग देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, श्रम विभाजन है, अधीनता है, बहुत सी बातें हैं जो स्वरूप हमें बाहर दिखाई देता है। तो ये कहते हैं कि हमें केवल स्वरूप का अध्ययन करना है, उसके अंदर की बातों पर अध्ययन नहीं करना है, ये जॉर्ज सिमेल मानते थे। दूसरे विद्वान है वीरकांत। वीरकांत समाजशास्त्र के बारे में, वीरकांत कहते हैं कि समाजशास्त्र उन सामाजिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। यानी कि समाजशास्त्र को वो कहते हैं कि आप अगर देखें मूल रूप से तो उसका मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन ही है ये, क्योंकि समाज बेसिकली बनता कैसे है। मैंने अभी उस दिन भी स्पष्ट किया था जब समाजशास्त्र की परिभाषा पर मैं बात कर रहा था कि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, सामाजिक संबंध ही व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, वरना तो इंसान भले भीड़ में घूमता रहे, एक भीड़ को हम समाज की संज्ञा नहीं दे सकते, एक उसको बात नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से पहचानते नहीं, एक दूसरे से संपर्क नहीं है, एक दूसरे से अंतर्क्रिया नहीं करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें उनमें आपस में नहीं होती है। तो समाजशास्त्र जो है, सॉरी समाज जो है वो सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है, और वीरकांत ये मानते हैं कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का, जो संबंध एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जो बनता है, उसके अंतिम स्वरूप का ही अध्ययन करता है जो मनुष्य को एक दूसरे से बांधता है। तो कुल मिलाकर समाजशास्त्र का जो अध्ययन वस्तु है वो व्यक्तियों के संबंधों का बाह्य स्वरूप होना चाहिए, न कि अंतर्वस्तु। और तीसरा जो वीरकांत के बाद में, सॉरी वॉन विच, जो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और वही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वॉन विच भी यही बात मानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है
जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र भी है। कुल मिलाकर अगर हम इस अध्ययन के पूरे स्वरूपों को अगर हम देखें तो समाजशास्त्र जो है, जिसको जो प्रमुख जो इसके विद्वान हैं, जो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने की बात करते हैं, जो उसको स्वरूपात्मक या स्वरूप के अध्ययन की बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि समाजशास्त्र और कुछ भी नहीं है बल्कि एक विशिष्ट विज्ञान है। अगर हम उसको सामान्य विज्ञान की तरह बनाने लग जाएंगे तो वह जो है एक सही विज्ञान नहीं ले पाएगा, स्वरूप नहीं ले पाएगा। इसलिए समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान या केवल अपने विशिष्ट बातों पर अध्ययन किया करना चाहिए, सभी बातों पर अध्ययन करने का ध्यान उसे नहीं देना चाहिए। और इसके प्रमुख प्रवर्तकों में जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर इत्यादि विद्वान आते हैं। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के ऊपर बात की थी, और मैक्स वेबर की तो मैंने समाजशास्त्र की परिभाषा में मैंने बात भी की थी, अगर आपको याद है तो। मैक्स वेबर ने जब बात की थी परिभाषाओं के बारे में तो उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, यानी कि एक विशिष्ट विज्ञान है जो केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस रूप में ये वो प्रमुख विद्वान हैं जो कि समाजशास्त्र को स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत या विशिष्ट संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिर से। अभी मैंने कुछ प्रश्न भी दिए थे लेकिन अभी आपके उत्तर मुझे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। अगर यही अवस्था रही तो निश्चित तौर पर मुझे इस पर थोड़ा सा, हमें क्योंकि हमारी ये बात हुई है कि जो लोग प्रॉपर इसमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं या जो जुड़े हैं समाजशास्त्र की, एक बार फाइनलिस्ट हमारे पास में जब आ जाती है उसके बाद में जो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर अटेंडेंस आपकी जो होगी वो इसी आधार पर होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रॉपर रेस्पॉन्स करें, प्रश्न पूछें, या प्रश्न अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका उत्तर अवश्य लिखकर मुझे कम से कम भेजें ताकि आपको आपकी प्रेजेंस जो है वो समझी जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।